ये आज हमने ले लिए शकरकंद, इनको शकरकंद बोलते हैं, आप भी जानते होंगे। आप क्या क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इनको मैंने ले लिए हैं, आंटी जी बोल रही थी गर्मियों में नहीं आते हैं, लेकिन ये बीज वाले हैं तो मैंने ले लिए हैं। देखते हैं इनका टेस्ट कैसा लगता है। तो चलिए इनको 2 से 3 बार अपन वॉश कर लेते हैं। पहले मैंने कर लिया है, इनका कलर ही कुछ ऐसा है। तो चलिए अपन इसको कुकर में उबालेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने कुकर में इनको डाल देते हैं इस तरह से। और सब लोग बोलते हैं इनमें कम पानी डालना चाहिए, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए क्योंकि मीठे नहीं लगते हैं बाद में। इस तरह से डाल देते हैं सारे शकरकंद, इनको 2 से 3 सीटी आने तक पका लेंगे। तो चलिए इनमें डाल देते हैं अपना पानी। चलिए मैं अपना पानी डाल देती हूँ। ये मैंने पानी डाल दिया है, देखते हैं कम पड़ेगा तो हम और भी डाल सकते हैं, वैसे नहीं पड़ेगा आंटी जी से मैंने पूछ लिया है। तो इस तरह से हम डाल देते हैं। तो चलिए कुकर को हम बंद कर देते हैं। कुकर को हमने बंद कर दिया, चलते अपनी गैस की ओर। चलिए गैस पर हमें अपना कुकर चला दिया है, 2 से 3 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। और पका के उसको जब ये उबल जाएगा तो आपको दिखाएंगे कैसा लग रहा है, कैसा मीठा है या नहीं है। इस बार अगर आपको मिल रहे हैं तो इन्हें आप भी लेके बल्कि खा सकते हैं। तो हम देख लेते हैं पहले कैसे उबलते हैं। तो चलिए चलिए अपनी तो चलिए हम अपने शकरकंद को देख लेते हैं। इसका पूरा मैंने प्रेशर रिलीफ कर दिया है, आप इसी तरह से कीजिएगा नहीं तो हाथ जलने का डर रहता है। चलिए तो इसको हम खोल के देख लेते हैं, इसकी लिड को हटा के देख लेते हैं। चाकू से अपना चेक कर लेंगे हमारा शकरकंद उबला या नहीं। हाँ लग तो रहा है कि अच्छे से उबल गया है। तो चलिए इनको निकाल के देख लेते हैं। और मुझे मैंने अपनी 4 निकाल दिए, मुझे इतने ही निकालने थे। अभी हम उनको उसकी लिड बंद करके उसको वही उसी में रखेंगे क्योंकि उससे और सॉफ्ट हो जाएंगे, सॉफ्ट ही बहुत अच्छी लगती है। चलिए उनको छील के ठंडा करके बताते हैं। तो मैंने छीनने की कोशिश करते, मैंने उनको ठंडा कर लिया है क्योंकि बहुत गर्म है। हाँ अच्छे से छिल रहे हैं। आप चाहें तो इनकी मालपुए, मीठी पूड़ी, गुलाब जामुन भी बना सकते हैं, इनके बहुत ही यम्मी लगते हैं। मैं अभी तो आपको फिलहाल इनको उबाल के, क्योंकि ये गर्मी का सीज़न है इसलिए मैं बता रही हूँ, ये गर्मी में भी आते हैं। इनको छील कर इस तरह से खाइएगा, बहुत अच्छे लगते हैं। और बताते हैं डॉक्टर भी बताते हैं शुगर फ्री होते हैं आलू, हालांकि मीठा होता है ये नहीं होता है, मीठा तो होता है बट ये शुगर फ्री में आता है। देखिए इस तरह से हम उसको छील लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। गर्म है थोड़ा तो फिर भी मैं इसको हम छील लेते इस तरह से और हम इसको सर्व करेंगे। देखिए हमने इसको इस तरह से कट कर लिया है, इसकी भाप निकल जाएगी। आप इस तरह से इसको फैला के ठंडा करके खाइएगा। और आप चाहें तो इसमें आप चाहें तो चाट मसाला, दही और काला नमक, आप चाहें तो इसमें चाट मसाला, काला नमक, दही मिला के भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आप चाहें तो इस तरह से भी खाएं, इस तरह से भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम इसको चेक करके देखते हैं ये मीठा है या नहीं, आपको बताते हैं। देखिए ये मीठा तो है, थोड़ा गर्म है तो कम मीठा लग रहा है, ठंडी में बहुत मीठा लगता है। आप इसको फ्रिज में रखिए, फ्रिज में रख के ठंडा छील के इस तरह से खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही यम्मी और बहुत हेल्दी फूड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो किसी भी तरह से तो आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।